दोस्तों कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज हम कथा मंथन में दही वाले भरमा पटल बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दही वाले भरमा पटल। दोस्तों मुझे आपके साथ एक जने खुद ही ये सब्जी बनाई है, रेसिपी बनाई है और खुद ही रिकॉर्डिंग की है। अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। दही वाले भरमा पटल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पटल की, पटल या परवल, बंगला में हम इसे पटल बोलते हैं, हिंदी में परवल बोला जाता है। प्याज मैंने दो प्याज लिया, आप कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा लहसुन, अदरक, दही तो स्पेशल है क्योंकि दही वाले बनाने जा रहे हैं, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी, हींग, जीरा और थोड़ा गरम मसाला। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं भरवा दही वाले भरमा पटल बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम पटल को छील लेंगे और छील करके इसमें बीच से चीरा निकाल के इसके अंदर का जो पटल के अंदर का जो मसाला होता है उसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों ये पटल मैंने छील लिया है, पटल को जस्ट थोड़ा सा खुरचना है चाकू की सहायता से। अब इसको बीच से चीर करके इसका मसाला निकालेंगे। देखिए दोस्तों पटल को मैंने बीच से चीर करके इसके अंदर से ये पटल का जो अंदरूनी भाग है वो निकाल लिया है। ऐसे ही मैंने सारे पटल के साथ किया है। अब ये निकाल करके हम प्याज काटेंगे। दोस्तों अब हमारी प्याज को भी कट गई है, हमने प्याज को लंबा लंबा काटा है, पटल का मसाला भी है और प्याज भी है। अब हम इसको भरवा पटल के अंदर भरवा मसाला भरने के लिए इस मसाले को तैयार करते हैं। दोस्तों गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है और हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का चलाएंगे। हल्की सी लाल हो जाएगी तब हम इसमें पटल का मसाला डालेंगे। दोस्तों प्याज हल्की लाल हो गई है, ज़्यादा लाल नहीं करनी है क्योंकि हमें मसाला भी भूनना है। अब इसमें हम ये पटल का मसाला डाल देंगे और इसे चलाएंगे। मसाला हमारा हल्का लाल हो गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, ज़रा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार, और हल्की सी चीनी डालेंगे। और मसाले को अब हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हम बहुत कम खाते हैं इसलिए मैं बहुत कम डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को थोड़ा चलाएंगे और इसको थोड़ा ढककर रख देंगे ताकि ये पटल के जो ये मसाला है वो थोड़ा गल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले को अब हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों हमारा मसाला पूरा बन गया है, लाल हो गया है। अब हम ये बंद कर, दोस्तों पटल के अंदर ये मसाला भर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एज़ यूज़ुअल हमारी कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है, गैस तेल गरम हो गया है। अब देखिए ये जो पटल हम डालेंगे इसका जो मुंह खुला हुआ है इसको पहले हम अंदर डालेंगे ताकि मसाला खुले गिरेगा नहीं इसका। एक एक करके सारे पटल डाल देंगे। एक बात याद रखिएगा, पटल बहुत कम तेल लेता है, ज़्यादा तेल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कढ़ाई को हम ढक करके रख देंगे। आँच को मीडियम कर देंगे। दोस्तों
देखिए पटल का एक साइड हो चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। हमारे पटल हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ाई में तेल बच गया है। अब इसी में हम जो मसाला दही के साथ हमने ये जो मसाला प्याज अदरक लहसुन और थोड़े ड्राई मसाले इसमें हमने मिला दिए थे, नमक हल्दी मिर्च, अब इसे हम इस गरम तेल में डाल देंगे और इसे भूनेंगे। इसे तब तक हम भूनेंगे कि थोड़ा सा लाल हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तब तक हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। दोस्तों हमारा मसाला लाल हो चुका है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, दही है तो थोड़ा येलोइश रहेगा ही। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें हमारे पटल डाल देंगे। देखिए अब सारे पटल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। आँच को आप सिम कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारे पटल हो चुके हैं, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों तैयार है दही वाले बर्मा पटल। अब इसे आप गर्मा गर्म चावल या पराठा के साथ परोस सकते हैं।